अब वो प्रोपेगेंडा के खत्म होने का समय आ गया, उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। गारंटी जो होती है वो जनता की गारंटी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। अपनी बिलासपुर के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो खुद तय करेंगे। और पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, वो घड़ी आ गई है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिलासपुर का नया उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। दुर्ग जिले के बिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पर आज हमारे साथ देवेंद्र यादव हैं। ये बिलासपुर लोकसभा से 2024 के उम्मीदवार हाईकमान कांग्रेस ने बनाया, हम उनसे बात करते हैं। देवेंद्र, बिलासपुर लोकसभा से आपको कांग्रेस हाईकमान ने उम्मीदवार बनाया, क्या कहना चाहते हैं? मैं आदरणीय हमारे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का, सचिन पायलट जी का और प्रदेश के सभी आदरणीय नेताओं का दिल से धन्यवाद आभार करूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि बिलासपुर लोकसभा में मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सकूं। निश्चित रूप से बिलासपुर की सम्मानित जनता का बहुत सम्मान और उनके साथ मिलकर, वहाँ युवाओं के साथ मिलकर, सामाजिक लोगों के साथ मिलकर, वहाँ के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मिलकर हम बिलासपुर की आवाज़ बनेंगे और बिलासपुर को आने वाले समय में सर्वोच्च स्थान पर पहुँचाने के लिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भाजपा लड़ रही है, आप उनको कैसे टक्कर देगी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में? कोई गारंटी नहीं चल रही उनकी, वो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब वो प्रोपेगेंडा के ख़त्म होने का समय आ गया, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। लोगों के बीच में वो नैरेटिव अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और आम जो हमारा मिडिल क्लास है, वो जितनी सफरिंग पिछले 10 सालों में उन्होंने देखी है उतनी कभी नहीं रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जनता का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं, उनके खिलाफ में है। और जनता, सारी गारंटी जो होती है वो जनता की गारंटी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग एकजुट हैं और इस बार जनता गारंटी दे रही है कि महंगाई खत्म करेगी, बेरोजगारी खत्म करेगी और ये न्याय कांग्रेस पार्टी ही दिला सकती है। ऐसा क्या कारण है कि स्थानीय नेताओं को उम्मीदवार कांग्रेस हाईकमान नहीं बनाया, बाहरी नेताओं को बनाया? आप बिलाई नगर के दुर्ग जिले के विधायक हैं, आपको बिलासपुर लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, राजनांदगांव से तामदा साव जी को, महासमुंद से, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि नेतृत्व के अपने फैसले होते हैं और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो सीधा सा धमकी और चंदा उगाही है, ये तो हम लोग जैसे मूवीज में देखते हैं ना, वैसा होता है कि एक जन के यहाँ पे रेड मारने जाते हैं प्लानिंग से और इसके बाद फिर वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड भर देता है, जितनी उसकी ईयरली इनकम है उससे 5 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड भर के देता है। तो ये क्या है, इसकी स्पष्टता आनी चाहिए भाई। भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, अगर कोई पार्टी इस तरीके से चंदा वसूली का धंधा कर रही है तो उसकी स्पष्टता आनी चाहिए। कम समय में बिलासपुर लोकसभा के मतदाताओं को आप कैसे रिझाने का प्रयास करेंगे, जीत का मंत्र क्या रहेगा? देखिए, कोई रिझाने की बात नहीं, बिलासपुर के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो खुद तय करेंगे। और पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, पिछले 36 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है बिलासपुर की जनता के साथ मिलकर हम उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके साथ मिलकर उनके लिए काम करेंगे। क्या रणनीति के तहत आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ के? देखिए, जनता के सामने कोई रणनीति नहीं चलती, जनता चलती है, जनता जनार्दन है। मुझे विश्वास है जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गोल स्कीम में आपका नाम है, क्या कहना चाहते हैं चुनाव के लिए? जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हैं सबको कहीं ना कहीं बता के रखें, लेकिन हम ना पहले डरे ना आगे डरेंगे। ये देवेंद्र यादव जिनको कांग्रेस हाईकमान ने बिलासपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है, अब इनकी रणनीति बताएगी कि इनके साथ कितने मतदाता काम आएंगे और चुनाव जीत के ये दिल्ली में सांसद का काम करेंगे, ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, बिलाई।